भारतीय रेल लगातार अपने सिस्टम को अपडेट कर रही है। बात चाहे मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की हो या फिर विद्युतीकरण की, रेलवे तेजी से राजस्थान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में देश दुनिया के पर्यटकों के पसंदीदा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टेशनों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यकरण से यात्रियों को एक सुखद एहसास हो, उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं स्टेशनों पर मिले, इसके लिए स्टेशनों के पुनर्विकास और कायाकल्प का काम पूरे देश के साथ राजस्थान में भी चल रहा है। राजस्थान के जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर सहित अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों का आज शिलान्यास होने जा रहा है। राजस्थान में जिन विश्व स्तरीय स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ कई नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर इन स्टेशनों पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और इमारतों को ग्रीन बिल्डिंग फॉर्मूले पर डेवलप किया जा रहा है। इन सभी स्टेशनों को सिटी सेंटर की तरह भी विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर आमजन इन स्थानों का उपयोग मॉल के रूप में भी कर सकेंगे। सभी स्टेशनों पर पुनर्विकास के मॉडलों को लगाया गया है, ताकि आमजन नए स्टेशनों की परिकल्पना को देखकर रोमांच अनुभव कर सकें। राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए भारतीय रेल इस स्टेशन पर 717 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स समेत अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। खास बात है कि इसे हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। स्काई वॉकवे के जरिए रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन भी आपस में जुड़ जाएंगे। स्टेशन का भवन 2 मंजिला बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की संख्या भी 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। राजस्थान के गांधीनगर स्टेशन को 211 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में पार्किंग के लिए 2 तल होंगे, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी। 72 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स भवन के अगले और पिछले भाग को जोड़ेगा। आगमन प्लाजा, प्रस्थान प्लाजा और पैदल चलने वालों के लिए प्लाजा बनाए जा रहे हैं। उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य 354 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उदयपुर स्टेशन स्थानीय आबादी के साथ साथ पर्यटकों को सेवा प्रदान करता है। पुनर्विकास की योजना में उदयपुर रेलवे स्टेशन से एक नई ईस्ट साइड एंट्री स्टेशन बिल्डिंग की परिकल्पना की गई है। भारतीय रेल ने देश के लिए सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध जैसलमेर रेलवे स्टेशन को 140 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई बिल्डिंग 3 मंजिला होगी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यात्री भार को ध्यान में रखते हुए 494 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य और विशाल रेलवे स्टेशन के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। नई इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 मंजिला होगी। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 471 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टेशन का निर्माण भव्य तरीके से किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग को भूतल व 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें 3 मंजिल पर यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी तथा अन्य मंजिलों को वाणिज्यिक गतिविधियों के उपयोग में लिया जाएगा। स्टेशन में हेरिटेज व आधुनिकता का सुंदर तालमेल होगा। सभी नए रेलवे स्टेशनों में लिफ्ट, एस्केलेटर, हवाई अड्डे जैसा कॉन्कोर्स, फूड कोर्ट, सुविधा युक्त वेटिंग रूम, पार्किंग तथा साफ सफाई के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। स्टेशनों के पुनर्विकास से रेल एवं देश को मिलेगी नई दिशा। रेल की गति, राजस्थान की प्रगति।